कैसे हो आप? तो अब हम जा रहे हैं एजाज भाई से मिलने के लिए। तो गाड़ी में मैं बैठा हुआ हूँ और बिने दुबे बाहर हैं, अभी आ रहे हैं बिल्कुल अभी। और बहुत अच्छी मीटिंग रही, अब हम एजाज भाई से मिलने के लिए जा रहे हैं और वहाँ उनसे हमारी मीटिंग है, एक इंटरव्यू भी है जो कि हमारे दूसरे चैनल पर आएगा। बिने दुबे भाई गाड़ी में बैठ चुके हैं और बहुत अच्छा इंटरव्यू रहेगा। काफ़ी लंबा सफ़र था और पूरी तरह से थक चुके हैं और बिने भाई ने इतना खाना खिला दिया, लंच इतना हैवी हुआ, चाय कोल्ड ड्रिंक, मतलब बहुत ज़्यादा। अभी तो हम एजाज भाई की तरफ जा रहे हैं। बिने भाई किधर किधर पड़ता है ये जगह? वर्सोवा। हाँ उधर जा रहे हैं, डायरेक्ट घर पे ही जा रहे हैं उनके। वेदर भी अच्छा है मुंबई का, आप देख सकते हो बहुत अच्छा वेदर है। और अभी हम गाड़ी में बैठे हुए थे, तो फिर भाई रहेंगे शायद, वैसे कल इनकी प्लानिंग है बिहार जाने की, लेकिन आप मैं मुंबई का आपको वेदर दिखा दूँ। ये वो ऊंची ऊंची बिल्डिंग जो लगातार 6 महीने से विवाद में रही है नेपोटिज्म की वजह से। हाँ सपनों का शहर राज, हाय गाइस। तो हम जा रहे हैं एजाज भाई से मिलने के लिए और आज काफ़ी अच्छा वक्त जो है हमारा गुजरा है बिने भाई के साथ। और देखो गाड़ी में बिने भाई भी हैं, एजाज भाई से हम जा ही रहे हैं। एजाज भाई एक नंबर, वी आर कमिंग। तो मुंबई का जो वेदर है हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अच्छा हो सकता है, क्योंकि जैसा हमने सुन रखा था लेकिन बहुत अच्छा है। साथ ही साथ जो होटल की हॉस्पिटैलिटी है बहुत अच्छी, मतलब पहली बार देखा कि मुंबई के होटल में जिस तरह से वो खाना खुद सर्व करते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी हम लोगों के लिए। तो अभी हम यहाँ लगभग जो है एयरपोर्ट पर आ चुके हैं और संडे में भी इतनी भीड़ है, मैं भी आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हो कितना क्राउड है, आप इस तरह से देख सकते हैं। और अभी यहाँ से समथिंग हमें 20 मिनट लग जाएंगे। एजाज भाई एक नंबर। अभी मैं आपको एयरपोर्ट दिखाता हूँ, ये एयरपोर्ट है, ऊपर निकल चुका है छत्रपति शिवाजी महाराज, हाँ इसके नीचे ब्रिज है। हम बरसोबा में आ चुके हैं और यहीं से कुछ ही दूरी पर जो है एजाज भाई का घर है और जल्दी मैं आपसे मिलवाऊंगा। एक नंबर भाई का जो डायलॉग है, एक नंबर, ठीक है। तो फाइनली इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली है, जल्दी हम उनसे मिलते हैं। एजाज भाई के घर आ चुके हैं और मैं आपको बिल्डिंग दिखाना चाहूँगा, लेकिन कितनी ऊँची बिल्डिंग है और मैं आपको प्रॉपर दिखाना चाहता हूँ। हम लिफ्ट में जा रहे हैं, कौन मत, ठीक है प्राइवेसी। ये देख सकते हो एजाज भाई की नेम प्लेट, एजाज भाई के यहाँ आए हुए हैं और अभी वो ड्रेस चेंज कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि आप नाश्ता कीजिए, हम ड्रेस चेंज करके आ रहे हैं। तो बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी है, उम्मीद से ज़्यादा प्यार दिया है और हम उन्हीं का भी इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल हमें नाश्ता करना पड़ेगा और हम एजाज भाई के घर पर हैं। ये LED लगी हुई है, देख सकते हो भाई जान खाना खा रहे हैं अभी, वो खाने को पूछा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम नाश्ता बहुत कर चुके हैं इसलिए हर बार भाई जाने हमारे बाइक नीचे लगा दिए, अपनी गाड़ी में तो ना पिता बाइक को नीचे लगा। देखिए मोहम्मद अरवाज ऑफिशियल की तैयारी चल रही है इंटरव्यू लेने की हमारे एजाज भाई जान के साथ में, और बैठे हैं दोनों, जगह काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक नंबर बोले तो एक नंबर। एजाज भाई जो हैं वो बिग बॉस वाले, बिल्कुल यकीन पाना ऐसे लग रहा है जैसे आप एक छोटे भाई हो, बिल्कुल आपकी कॉपी करते हैं ऐसे। अच्छा लड़का, अच्छा दिया, अच्छा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ये लगाना है, ये फोन लगाना है, ये लगा दीजिए। वीडियो
पल सेवन मिलियन व्यू यू नो सो माय ब्रदर ब्रिंग द केक फॉर मी थैंक यू वेरी जान जो गूंज रही है एजाज 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 वो आवाज़ से एक हमें भी कभी लगता है कि हम ही अंदर है जब कभी हम देख रहे होते हैं तो सलमान भाई आगे बोलते हैं एजाज तो वो ऐसा ही लगने लगता है कि हम ही अंदर है तो मम्मी का इंतकाल हो गया वहां जा रहा है चलो इंसानियत बोलो और सीख जाओगे बोलो ह्यूमैनिटी यस आ गया ना भाई अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल नमस्ते मोहम्मद अरबाज का चैनल सब्सक्राइब करिए कमेंट करिए लाइक करिए और इसको सपोर्ट करिए छोटे भाई की तरह देखा कहलवा लिया मैंने कहलवा लिया देखो हम आए हैं एजाज भाई के घर में और आप भी देखो सकते हो ये एजाज भाई का घर है और ये तस्वीर देख सकते हो इधर ये तस्वीर है और इधर ये मक्का मदीना की तस्वीर है इधर देख सकते हो और ये इधर एजाज भाई जो है केक काट रहे हैं तो 7 मिलियन का गाना कंप्लीट हो गया है और आईटी सेल वालों ने वो दिक्कत करते रहते हैं उधर छोटा सा भाई का जिम था थोड़ा सा टेम्पली और भाई की थोड़ा चोट भी लग रही है भाई की आप इधर आ जाइए और मैं आपको ले चलता हूँ उनके इधर ठीक है आओ आइए हम दिखाते हैं एजाज भाई का शू कलेक्शन इधर आइए और ये देख सकते हैं ये एजाज भाई का शू कलेक्शन है ओ माय गॉड ये दुकान है शोरूम है ओ माय सारे लेदर चीफ ओफो आई एम सो इम्प्रेस्ड इधर देख सकते हैं ये सारा एजाज भाई का शू कलेक्शन है इधर दिखाएंगे इधर ये देख सकते हैं इधर माशाल्लाह किसी तरह आज एजाज भाई के घर में एंट्री हुई और हम जो है दया की तरह इंस्पेक्टर की तरह उनके घर को निरीक्षण कर रहे हैं इधर का व्यू देख दिखाना चाहेंगे ये देख सकते हैं इधर का व्यू है कितना शानदार व्यू है इनके घर का और आप देख सकते हो बहुत ही शानदार और आप इधर से देख सकते हो ये इनका कलेक्शन है इधर देखा ब्लेज़र है भाई के ओ माई गॉड माशाल्लाह ये पूरा कलेक्शन है मतलब भाई की जो लाइफ है अपनी उसका एक अलग ही मज़ा है इधर देख सकते हो आप बहुत सारा कलेक्शन है माशाल्लाह और ये भाई हैं बैठे हुए और ऐसे दोस्तों तो मुझे उम्मीद है आपको एजाज भाई वाला ब्लॉग पसंद आया होगा एक्चुअली हमने लौटते समय भी ब्लॉग शूट करने की सोची थी लेकिन हमें शूट इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमें जो है हिंदुस्तानी भाव के घर जाना था क्योंकि इनकी माँ का इंतकाल हो गया था इसलिए फाइनली जो भी है आपको एजाज भाई वाला जो ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइए साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल पर आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मिलने वाले हैं जय हिंद